नमस्कार, आज मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हूँ और मैं आपको महर्षि भृगु के मंदिर में लिए चलता हूँ। देश में सिर्फ दो जगहों पर महर्षि भृगु का मंदिर है, एक तो गुजरात के भरूच में और दूसरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। तो मैं बलिया के भृगु मंदिर में लिए चलता हूँ। महर्षि भृगु के उनके परिवार में ऋषि जमदाग्नि और च्यवन ऋषि उनके पोते कहे जाते हैं, ग्रैंड सन। तो च्यवन ऋषि के नाम पर ही च्यवन प्राश बनता है। और महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। तो आइए चलते हैं महर्षि भृगु के मंदिर में। ये महर्षि भृगु का मंदिर है और इसका कारण ये है कि यहाँ महर्षि भृगु ने आश्रम बनाया था और महर्षि भृगु के यहाँ मिलने के लिए, देखिए अंदर मैं मंदिर में जा रहा हूँ, महर्षि भृगु से मिलने के लिए महर्षि पराशर, वाल्मीकि और बड़े बड़े संत आते थे भृगु जी से मिलने के लिए और यहाँ उनका सत्संग होता था। आप देखें, यहाँ मैं आपको एक पंडित जी से मिलवाना चाहता हूँ जो इस मंदिर में रहते हैं। आप पंडित विजय शंकर मिश्र जी हैं, तो इनसे बातचीत करने से पहले आइए हम महर्षि भृगु के की मूर्ति का दर्शन करें। ये पंडित जी हैं जिन्होंने, देखिए, मुझे टीका लगाया। और तो पंडित जी, आप यहाँ कितने दिन से हैं? जन्म से हैं। अच्छा, देखिए पंडित, आपका शुभ नाम क्या है? मनन जी मिश्रा जी हैं। दर्शन करें आप। ये हैं महर्षि भृगु और आप देखें कि यह पवित्र मूर्ति, इसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और माना जाता है कि यहाँ आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो ये महर्षि भृगु है। यहाँ ये क्या है पंडित जी? ये क्या चीज़ है? हाँ, ये भृगु महाराज की का चरण पादुका। अच्छा, देखें आप। और पंडित विजय शंकर मिश्र जी हैं। पंडित जी, आप इस मंदिर में कब से हैं? 40 साल से हैं। पंडित जी 40 साल से हैं। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये महर्षि भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जी। और एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए थे जी। और ऋषियों में आपस में तर्क वितर्क चल रहा था जी कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु भगवान बड़े हैं, शिव बड़े हैं। ये विवाद चलता रहा, आपस में कोई निर्णय नहीं हुआ। आपस में ये लोग विचार किए कि इसकी परीक्षा ली जाए जी। परीक्षा के योग्य कौन है? तो परीक्षा के योग्य जो है सर्वसम्मति से महर्षि भृगु जी को लोग चुने। महर्षि भृगु जी सर्वप्रथम अपने पिता के पास गए। नित्य जाते थे तो पिता को दंड प्रणाम करते थे, तो पिता से आज्ञा लेकर के और पुनः आसन पर विराजमान होते थे। उस दिन परीक्षक के रूप में जब गए हैं तो मन में ही भगवान अपने पिता को प्रणाम किए और ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गए। पिताजी का जब ध्यान खुला, देखते हैं कि मेरा पुत्र जो है बिना आज्ञा के और ऊंचा सिंहासन पर बैठ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया,
कमंडलू से जल निकाले, गायत्री मंत्र पढ़ करके कहे कि अब ऐसा पुत्र रहने से क्या लाभ है, इसको हम अभी भस्म कर देते हैं। तब तक माँ सरस्वती जो है ब्रह्मा जी का बाँह पकड़ लेती हैं, नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र है, पुत्र अगर गलती करता है तो पिता का धर्म है उसको क्षमा करे, क्षमा दान करे। समझाई है, ब्रह्मा का क्रोध शांत हुआ है और इसके बाद शिवलोक गए। शिवलोक में भोले बाबा अपना ध्यान में थे, देखते हैं कि महर्षि भृगु जी आ रहे हैं तो स्वागत के लिए आगे बढ़े। 10 कदम आगे स्वागत के लिए गए, नज़दीक गए, महर्षि भृगु जी पीछे हट गए। बोले, भोले बाबा बोले कि ये क्या कह रहे हैं, हम आपका स्वागत के लिए आए, आप पीछे हट रहे हैं। कि नहीं, आप हमसे मिल नहीं सकते हैं। तो कैसे, क्यों नहीं मिल सकते हैं? कहें देखिए, आप हमेशा शमशान की विभूति लगाते हैं, भूत पिशाच मलेच्छ आपके साथ रहते हैं, सांप बिच्छू आपके गले में रहता है, आप हमसे, आप अपवित्र रहते हैं, आप हमसे मिल नहीं सकते हैं। इतना कहने के बाद जो है शिव का जो है क्रोध बढ़ गया, त्रिशूल उखाड़ लिए और महर्षि जी पर वार करना चाहे। नहीं, तब तक माँ पार्वती बाँह पकड़ लेती हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप मत करें, ये ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, इनको आप मारेंगे हत्या लगेगा, ब्रह्म हत्या का आपको दोष लगेगा। वहाँ क्रोध शांत हुआ है। महर्षि जी बोले कि देखो भाई, मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो है पूजा जो है मूर्ति की नहीं होगी, तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूजा जो है लिंग के रूप में होगी। आज भी शिवलिंग के रूप में ही भोले बाबा की पूजा होती है। उसके बाद विष्णु लोग गए, विष्णु लोग गए तो विष्णु भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वो ध्यान लगाए, उनको पता लगा कि आज तो परीक्षा है, परीक्षक कौन है, महर्षि जी हैं। लक्ष्मी से बोले कि देखो, महर्षि जी आ रहे हैं, हम मैं पीताम्बरी ओढ़ता हूँ और इसको ढक करके मुँह सो जाता हूँ, तुम, वो कहेंगे जगाने के लिए, तुम जगाना मत। ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा। महर्षि जी दूर से देख रहे हैं कि पीताम्बरी ओढ़ करके विष्णु सो गए। गए नज़दीक में, लक्ष्मी से बोले लक्ष्मी जगाओ, लक्ष्मी ने नहीं जगाया। बोला कि मेरा धर्म नहीं है सोए हुए पति को जगाना, मेरा धर्म नहीं है। तुरंत जो है उनके छाती में 1 लात भगवान को, विष्णु भगवान को महर्षि जी ने 1 लात मार दिया। विष्णु भगवान तुरंत उठ गए, उठ करके और चरण दबाने लगे, चरण दबाने लगे, कहे कि देखो, यह चरण जो है तपस्या करते करते जो है चरण के कमल के समान ये कोमल हो गया है, इसमें चोट लगा है। चरण दबाने लगे, महर्षि जी लज्जित हो गए, भाई ये तो इनसे बड़ा कौन है, इनके पास क्षमा है। तो इसके बाद जो है तुरंत जो है लक्ष्मी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी बोली कि देखो, मेरे पति को तुम मेरे सामने अपमानित किया, मैं श्राप देता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है ब्राह्मण जो है दरिद्र हो जाएगा, ब्राह्मण का जो है अस्तित्व जो है मर्यादा जो है कम हो जाएगा।
महर्षि जी बोले कि ठीक है। भगवान बोले कि ये लक्ष्मी तूने क्या किया, तूने सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। कही ठीक है, मैं भी एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ कि तुम उसके चरण पर जाके गिरोगी। महर्षि जी ने भृगु संहिता का निर्माण किया, जिसमें इस संसार में जितने जीव, जितने स्थावर जंगम जीव हैं, चलायमान जीव हैं, सबका जो है कुंडली महर्षि जी ने बना दिया। 12 मिनट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने पूरी कथा बताई, इसके कारण लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग इसके बारे में जानेंगे और इस मंदिर की महत्ता को जानेंगे। आइए कुछ और मंदिरों का दर्शन करते हैं। इसमें ये धुनी है, इसमें देखिए हवन हो रहा है, देखें आप, हनुमान जी का मंदिर है, पवित्र मंदिर, ये मंदिर है माँ भगवती की सुंदर मूर्ति, माता की मूर्ति आप देखें। आप पंडित विजय शंकर मिश्र जी हैं, तो इनसे बातचीत करने से पहले आइए हम महर्षि भृगु के की मूर्ति का दर्शन करें जी। ये पंडित जी हैं जिन्होंने देखिए मुझे टीका लगाया। पंडित जी आप यहाँ कितने दिन से हैं? जन्म से। जन्म से हैं, अच्छा। देखिए पंडित, आपका शुभ नाम क्या है? मन्नन जी मिश्रा। मन्नन जी मिश्रा जी हैं। ये हैं महर्षि भृगु ऋषि, और आप देखें कि यह पवित्र मूर्ति, इसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और माना जाता है कि यहाँ आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, तो ये महर्षि भृगु हैं यहाँ। ये क्या है पंडित जी? ये पंडित जी ये क्या चीज़ है? हाँ, ये भृगु महाराज की का चरण पादुका। पंडित विजय शंकर मिश्र जी हैं। पंडित जी आप इस मंदिर में कब से हैं? हम 40 साल से। अच्छा, ये भृगु मुनि का। और आप देखें देश में ये एकमात्र पहला मंदिर है जो भृगु जी के नाम पर है, और इसका कारण ये है कि यहाँ महर्षि भृगु ने आश्रम बनाया था, और महर्षि भृगु के यहाँ मिलने के लिए देखिए अंदर मैं मंदिर में जा रहा हूँ। महर्षि भृगु से मिलने के लिए महर्षि पराशर, वाल्मीकि और तमाम संत आते थे, बड़े बड़े संत आते थे भृगु जी से मिलने के लिए, और यहाँ उनका सत्संग होता था। मैं मंदिर के भीतर जा रहा हूँ, आप देखें। यहाँ मैं आपको एक पंडित जी से मिलवाना चाहता हूँ जो इस मंदिर में रहते हैं, तो यहीं पर मैं आपको पंडित विजय शंकर मिश्र जी से मिलवाना चाहता हूँ। आप पंडित विजय शंकर मिश्र जी हैं, तो इनसे बातचीत करने से पहले आइए हम महर्षि भृगु के की मूर्ति का दर्शन करें। जी, ये पंडित जी
हैं जिन्होंने देखिए मुझे टीका लगाया, और ये महर्षि भृगु देखें अब इनकी पवित्र मूर्ति है, और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो पंडित जी आप यहाँ कितने दिन से हैं? जन्म से हैं। अच्छा देखिए पंडित आपका शुभ नाम क्या है? मनन जी मिश्रा जी हैं, और देखिए ये बहुत ही श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं के प्रसाद को चढ़ा रहे हैं, और अभी इसके बाद हम लोग विजय शंकर मिश्र जी से बात करेंगे। तो पंडित जी वहाँ जाके हम ले सकते हैं वहाँ थोड़ा सा एक मिनट के लिए और फिर चले आएंगे। एक मिनट जी, कैसे जाना होता है? अच्छा देखिए मैं एक ये दर्शन करें आप, ये हैं महर्षि भृगु ऋषि, और आप देखें कि यह पवित्र मूर्ति, इसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और माना जाता है कि यहाँ आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो ये महर्षि भृगु है, यहाँ ये क्या है पंडित जी? ये पंडित जी ये क्या चीज़ है? हाँ ये भृगु महाराज की का चरण पादुका। अच्छा देखें आप, और फिर मैं अच्छा अभी पंडित विजय शंकर मिश्र जी हैं। पंडित जी आप इस मंदिर में कब से हैं? हम 40 साल से हैं। अच्छा आप इस मंदिर में जी आप इस मंदिर में 40 लीजिए पंडित जी आप इस मंदिर में कब से हैं? 40 साल से हैं पंडित जी। 40 साल से हैं, और आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये महर्षि भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जी, और एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए थे जी, और ऋषियों में आपस में तर्क वितर्क चल रहा था जी कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु भगवान बड़े हैं, शिव बड़े हैं, ये विवाद चलता रहा। आपस में कोई निर्णय नहीं हुआ, तो ये लोग आपस में ये लोग विचार किए कि इसकी परीक्षा ली जाए, परीक्षा के योग्य कौन है। तो परीक्षा के योग्य जो है सर्वसम्मति से महर्षि भृगु जी को लोग चुने। महर्षि भृगु जी सर्वप्रथम अपने पिता के पास गए, नित्य जाते थे तो पिता को दंड प्रणाम करते थे, तो पिता से आज्ञा लेकर के और पुनः आसन पर विराजमान होते थे जी। उस दिन परीक्षा के रूप में परीक्षक के रूप में जब गए हैं तो मन में ही भगवान अपने पिता को प्रणाम किए और ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गए। पिताजी का जब ध्यान खुला, देखते हैं कि मेरा पुत्र जो है बिना आज्ञा के और ऊंचा सिंहासन पर बैठ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कमंडलू से जल निकाले, गायत्री मंत्र पढ़ करके कहे कि अब ऐसा पुत्र रहने से क्या लाभ है, इसको हम अभी भस्म कर देते हैं। तब तक माँ सरस्वती जो है
ब्रह्मा जी का बांह पकड़ लेती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र है, पुत्र अगर गलती करता है तो पिता का धर्म है उसको क्षमा करे, क्षमा दान करे। समझाई है, ब्रह्मा का क्रोध शांत हुआ है और इसके बाद शिवलोक गए। शिवलोक में भोले बाबा अपना ध्यान में थे, देखते हैं कि महर्षि भृगु जी आ रहे हैं तो स्वागत के लिए आगे बढ़े। 10 कदम आगे स्वागत के लिए गए, नज़दीक गए, महर्षि भृगु जी पीछे हट गए। बोले भोले बाबा, बोले कि ये क्या कह रहे हैं, हम आपका स्वागत के लिए आए, आप पीछे हट रहे हैं। कहीं नहीं, आप हमसे मिल नहीं सकते हैं। तो कैसे, क्यों नहीं मिल सकते हैं? कहीं देखिए, आप हमेशा शमशान की विभूति लगाते हैं, भूत पिशाच मलेच्छ आपके साथ रहते हैं, सांप बिच्छू आपके गले में रहता है, आप हमसे, आप अपवित्र रहते हैं, आप हमसे मिल नहीं सकते हैं। इतना कहने के बाद जो है शिव का जो है क्रोध बढ़ गया, त्रिशूल उखाड़ लिए और महर्षि जी पर वार करना चाहे। नहीं, तब तक माँ पार्वती बाँह पकड़ लेती हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप मत करें, ये ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, इनको आप मारेंगे हत्या लगेगा, ब्रह्म हत्या का आपको दोष लगेगा। वहाँ क्रोध शांत हुआ है। महर्षि जी बोले कि देखो भाई, मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो है पूजा जो है मूर्ति की नहीं होगी, तुम्हारे मूर्ति की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूजा जो है लिंग के रूप में होगी। आज भी शिवलिंग के रूप में ही भोले बाबा की पूजा होती है। उसके बाद विष्णु लोग गए, विष्णु लोग गए तो विष्णु भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वो ध्यान लगाए, उनको पता लगा कि आज तो परीक्षा है, परीक्षक कौन है, महर्षि जी हैं। लक्ष्मी से बोले कि देखो महर्षि जी आ रहे हैं, हम मैं पीताम्बरी ओढ़ता हूँ और इसको ढक करके मुँह सो जाता हूँ, तुम, वो कहेंगे जगाने के लिए, तुम जगाना मत, ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा। महर्षि जी दूर से देख रहे हैं कि पीताम्बरी ओढ़ करके विष्णु सो गए, गए नज़दीक में, लक्ष्मी से बोले लक्ष्मी जगाओ, लक्ष्मी ने नहीं जगाया, बोला कि मेरा धर्म नहीं है सोए हुए पति को जगाना, मेरा धर्म नहीं है। तुरंत जो है उनके छाती में एक लात, भगवान को, विष्णु भगवान को महर्षि जी ने एक लात मार दिया। विष्णु भगवान तुरंत उठ गए, उठ करके और चरण दबाने लगे, चरण दबाने लगे, कहे कि देखो यह चरण जो है तपस्या करते करते जो है चरण के कमल के समान ये कोमल हो गया है, इसमें चोट लगा है, चरण दबाने लगे। महर्षि जी लज्जित हो गए, भाई ये तो इनसे बड़ा कौन है, इनके पास क्षमा है। तो इसके बाद जो है तुरंत जो है लक्ष्मी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी बोली कि देखो मेरे पति को तुम मेरे सामने अपमानित किया, मैं श्राप देता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है ब्राह्मण जो है दरिद्र हो जाएगा, ब्राह्मण का जो है अस्तित्व जो है मर्यादा जो है कम हो जाएगा। महर्षि जी बोले कि ठीक है। भगवान बोले कि ये लक्ष्मी तूने क्या किया, तूने सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया।
कि ठीक है मैं भी एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ कि तुम उसके चरण पर जाके गिरोगी। महर्षि जी ने भृगु संहिता का निर्माण किया जिसमें इस संसार में जितने जीव जितने स्थावर जंगम जीव हैं चलायमान जीव हैं सबका जो है कुंडली महर्षि जी ने बना दिया। 12 मिनट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने पूरी कथा बताई, इसके कारण लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग इसके बारे में जानेंगे और इस मंदिर की महत्ता को जानेंगे। आइए कुछ और मंदिरों का दर्शन करते हैं। ये धुनी है, इसमें देखिए हवन हो रहा है। देखिए आप, हनुमान जी का मंदिर है, पवित्र मंदिर। माँ भगवती जी का ये मंदिर है, माँ भगवती की सुंदर मूर्ति, माता की मूर्ति आप देखें,